किसी का भाई किसी की जान तो कुछ खास नहीं चल पाई, लेकिन फिल्म के प्रमोशन से ही ना इसका बस बहुत ज्यादा बना हुआ था, इनफैक्ट अभी तक बना हुआ है, जिसमें एक तो था पलक तिवारी का वो सलमान खान को लेकर ड्रेस कोड वाला बढ़िया सा स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था, और दूसरा टॉपिक था शहनाज गिल और राघव जुयाल का डेटिंग रूमर, जहां अभी तक शहनाज ने इन रूमर्स को एड्रेस बिल्कुल भी नहीं किया है, वही अब राघव जुयाल ने फाइनली इस पर अपना रिएक्शन दे दिया है। एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में राघव ने इन रूमर्स पर खुलकर बात की है और कह दिया है कि इन अफवाहों में कोई भी दम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि सलमान खान ने जो शहनाज गिल को मूव ऑन करने की सलाह दी थी ना, लोगों ने उसे भी गलत समझा था। उन्होंने आगे कहा कि जब आप लगभग 3 से 4 महीने किसी फिल्म की शूटिंग किसी के साथ करते हो तो आप अक्सर दोस्त बन जाते हो। शहनाज गिल बिग बॉस का हिस्सा थी, जहां पर्सनल लाइफ से उनके लोग बहुत ज्यादा जुड़ गए थे, इसलिए ये एक ड्रग की तरह हो जाता है और लोग शो खत्म होने के बाद भी वो ड्रग ही चाहते हैं। इस बातचीत में राघव जुयाल ने यहाँ तक कह दिया कि वो सलमान खान की तरह सिंगल है, वो दिन रात शूटिंग करते हैं, उनका फोकस अपनी फिल्मों पर ही इतना ज्यादा है कि उन्हें वापस घर जाने का मौका नहीं मिलता। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पहले जब वो टीवी करते थे तो कुछ महीनों तक काम करते थे और फिर वापस अपने घर चले जाते थे, लेकिन अब वो फिल्में कर रहे हैं जिसमें वो काफी नए हैं, तो बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है। अब कहीं ना ऐसा लग रहा है कि राघव बहुत टाइम से शहनाज और अपने डेटिंग रूमर्स के बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें सही मौका नहीं मिला था, और अब जब मिला है तो उन्होंने अपना स्टेटस पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि एक वो तो सिंगल है, दूसरा कि शहनाज उनकी सिर्फ और सिर्फ अच्छी दोस्त है। अब राघव ने तो अपना रिएक्शन पूरी तरह से क्लियरली साफ शब्दों में दे दिया, लेकिन क्या शहनाज भी इस पर कुछ बात करने वाली है या नहीं, वो तो फिलहाल टाइम आने पर ही पता चलेगा। बाकी किसी का भाई किसी की जान की अगर बात करें तो बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कोई भी कमाल नहीं दिखाया है, लेकिन खबरों में फुल ऑन बनी रही है। इस मल्टी स्टारर फिल्म में सलमान खान, पूजा हेगड़े, शहनाज गिल, राघव जुयाल, भूमिका चावला, वेंकटेश दग्गुबाती, सिद्धार्थ निगम और पलक तिवारी प्रोमिनेंट रोल्स में नजर आए थे। ये सभी के सभी प्रोमिनेंट रोल्स में थे। बाकी अभी के लिए गाइस इतना ही, अपने व्यूज किसी का भाई किसी की जान पर जरूर देना अगर देखी है तो, और राघव जुयाल के स्टेटमेंट पर भी जरूर बताना कि आप लोग क्या सोचते हो। बाकी मैं तो नाक्षी कालरा जल्दी मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। अगर ये अपडेट पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना, सबके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।